अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में तमाम बच्चों को खुश आमदी। तो जिस तरह हमने फर्स्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो सवाए जीरो तो वो वन के इक्वल होता है, पहले हमने एक्सपोनेंट लॉ से आपको बताया था। आज हम आपको ये बात लॉग के जरिए प्रूफ करके बताएंगे कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो वो वन के इक्वल आखिर कैसे होता है। तो आज हम लॉग से करेंगे और वही टारगेट फाइव की पावर जीरो लेते हुए हमें प्रूफ करना है कि वो वन के इक्वल आखिर कैसे होता है। तो जिन बच्चों ने लॉग का टॉपिक पढ़ा है तो वो तो ये बात बाखूबी जान सकेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो जब आप पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस सिलसिले में हमें लेट करना है फाइव की पावर जीरो को एक्स के इक्वल, क्योंकि हम ये लॉग से कर रहे हैं और यहां पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड हमें लॉग को अप्लाई करना होगा। तो लॉग एक्स इधर आ जाएगा और इसी तरह से लॉग इधर आ जाएगा, और लॉग आने के बाद फाइव की पावर जीरो है। तो लॉग के फॉर्मूलों की बदौलत हमें करना क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें लॉग जब किसी भी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो जिसकी पावर हो तो पावर पहले लिख दी जाती है और ब्रैकेट के अंदर लॉग एम हम लिख देते हैं। तो इसी बुनियाद पे एन जीरो के इक्वल है और इसी तरह से एन जो है वो फाइव के इक्वल है, और जब हम इसे फॉर्मूले फॉर्म के मुताबिक लिखेंगे तो हमारे पास लॉग एक्स के बाद जीरो इंटू लॉग फाइव आ जाएगा। अगर हम लॉग टेबल के जरिए अगर इसकी वैल्यू को देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.6989। हमें लॉग टेबल या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी पता कर सकते हैं। तो हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या आएगी लॉग फाइव की, 0.6989। अब जैसे कि जीरो से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे। तो याद रहे जिन्हें लॉग आता है वो बात समझ सकते हैं, लेकिन ये हम आपको लॉग से बात प्रूफ कर रहे हैं। इसके लिए आपको ये बात देखनी होगी ताकि जब आप लॉग पढ़ें या पढ़ चुके हों तो आपको इसकी वजह पता लग जाए। तो लॉग जब इधर आता है तो बुनियादी तौर पे वो एंटी लॉग हो जाता है, और एंटी लॉग जब जीरो का लिया जाता है तो वो हमेशा वन के इक्वल होता है। तो लिहाजा जो हमने लेट किया एक्स इक्वल्स टू फाइव की पावर जीरो, तो इस जगह आके एक्स का आंसर हमारे पास वन आ रहा था। तो ये एक सेकंड मेथड था जिसकी बदौलत हमने ये प्रूफ किया, और ये मेथड सिर्फ कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि लॉग की जब वैल्यूज आती है तो वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। लिहाजा अगर एक्स की पावर जीरो हो तो इसे मालूम करना इस लिहाज से नामुमकिन होगा कि कांस्टेंट नंबर की लॉग की वैल्यूज हमें लॉग टेबल बताता है। लिहाजा ये एक सेकंड मेथड आपको हमने डिस्कस किया जिससे हमने फाइव की पावर जीरो को लॉग की बदौलत वन के इक्वल लेके आए। तो सर शायद को इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।